हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कुछ वेस्ट से कैसे कुछ एक नया प्रोडक्ट या फिर एक नया क्राफ्ट आइटम बना सकते हैं। तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मेरे पास कुछ बची हुई शीट्स हैं। मैंने अपनी एक शीट ली है जिसको अब मैं लाइंस के थ्रू डिवाइड कर दूंगी। पहले मैं उसकी लेंथ को डिवाइड करूँगी। क्योंकि लेंथ हमारी बड़ी होती है इसलिए मैंने उसको टू लाइंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। फिर वैसे ही मैं स्केल की हेल्प से अपने विड्थ को भी डिवाइड कर लूँगी। और फिर सब में लाइंस ड्रॉ कर दूँगी, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। आप जैसा कि वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने लेंथ वाइज और विड्थ वाइज मैंने शीट को डिवाइड कर दिया, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। अब मैं क्या करूंगी, सीजर की हेल्प से जो आपको लाइंस विजिबल हो रही हैं सिल्वर कलर की, उन्हें कट आउट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं अपने बाकी जो पीसेज हैं शीट्स के या फिर जो शीट्स हैं उन्हें भी डिवाइड कर लूँगी। आप देख ही सकते हैं मैंने अपनी सारी शीट्स और शीट्स के पीसेस कट आउट कर लिए हैं। ये किसी भी लेंथ और विड्थ के हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शेप है वो हमेशा इसकी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हो। अब मैं अपने मल्टी कलर शीट के पीसेस को उठाऊंगी और फेविकोल की हेल्प से उन्हें ज्वाइन करती जाऊंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। आपको ऐसे ही सारे पीसेस को ज्वाइन करना है और एक शीट बना लेनी है जिसकी कम से कम जो लेंथ और विड्थ हो वो 15 इंचेस से ज़्यादा हो। उसी तरीके से हम दूसरी शीट भी तैयार कर लेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ जो हमारी हो वो 13 इंचेस से ज़्यादा हो थोड़ी। और इसी तरीके से हम थर्ड अपना स्क्वायर भी बना लेंगे जिसकी जो लेंथ और विड्थ हो वो 10 इंचेस से ज़्यादा हो। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैंने अपने तीनों ही स्क्वायर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अब जो हमने शीट प्रिपेयर कर ली है उसमें से मैं पहले सबसे बड़ी शीट उठाऊंगी और उसको इक्वल लेंथ और विड्थ का बनाऊंगी। तो मैं अपनी सबसे बड़ी शीट को 15 इंचेस की लेंथ और विड्थ का बनाऊंगी। उसी तरीके से मैं अपनी सेकेंड शीट को 13 इंचेस का स्क्वायर बनाऊंगी और अपनी सबसे छोटी शीट को 10 इंचेस का स्क्वायर बनाऊंगी। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैं अपनी सबसे बड़ी शीट को लेंथ और विड्थ दे रही हूँ। मैंने अपनी तीनों शीट को इक्वली कट कर लिया है उनके साइज के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे आगे का पार्ट, पीसेस को ज्वाइन करना जो हमने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले सबसे बड़ी शीट लूँगी और जो हमारी सेकेंड नंबर की मीडियम शीट है उसको लूँगी और जो सेकेंड वाली शीट है उस पर फेविकोल लगा के फर्स्ट वाले पीस को बड़े वाले को ज्वाइन कर दूंगी। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितने नीटली मैंने उसे ज्वाइन किया है। उसी तरीके से मैं अपना थर्ड पीस भी ज्वाइन करूंगी जो सबसे छोटे वाला है। अब हम अपने क्राफ्ट को फाइनल टचअप देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीट ली है जिसपे अब मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल होता है उसे ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं उसे कट आउट करूँगी। और फाइनली अपनी
जो काइट है जो हमने बनाई है उसके जो सबसे छोटे वाले पोर्शन है उस पर मैं उसे पेस्ट करूंगी। फेविकोल की हेल्प से आप देख ही सकते हैं मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। आप देख ही सकते हैं हमारी काइट बनके प्रिपेयर हो चुकी है और ये कितनी सुंदर लग रही है। इसे आप एज अ डेकोर आइटम अपने घर की वॉल पर लगा सकते हैं या फिर आपके कोई स्कूल का फंक्शन हो आप वहाँ पर एज अ डेकोर आइटम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर अपनी रैंडम शीट्स ली हैं, आप कोई भी कलर इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और बहुत सुंदर क्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।